नमस्कार दोस्तों, हम मौजूद हैं पूरी की पूरी पोल खोल पोस्ट टीम के साथ प्रयागराज के उस पवित्र स्थान पर जहां पर लोग अपनी आस्था को प्रबल करने के लिए आते हैं, संगम, जहां पर तीनों नदियां आकर के मिलती हैं। और आइए हम आपको दिखलाते हैं, आइए हम आपको दिखा सकते हैं त्रिवेणी संगम। और मैं आपको दिखलाना चाहूँगा, हमारे पास कुछ खास मेहमान है जो इसके बारे में बताएंगे। नाम क्या भैया आपका? निशा जी, ये बताइए कि ये जो संगम है इसके बारे में कुछ बताइए। ये गंगा जी हैं और ये हैं, ये यमुना जी हैं। अच्छा, वो यमुना जी, यमुना जी हैं। अच्छा, इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। त्रिवेणी संगम जी, यहाँ सभी श्रद्धालु यहाँ स्नान करेंगे, शाही स्नान भी होगा। अच्छा, इस सामने भूसी पान खालसा भी सभी यात्रियों के लिए। अच्छा अच्छा, यहाँ रहने के लिए सभी सुविधा दिया गया है यहाँ पे संगम पर। तो सभी श्रद्धालु आते हैं स्नान के लिए, त्रिवेणी संगम है। अच्छा, किस किस प्रकार के यहाँ पर स्नान कराए जाते हैं? शाही स्नान का आपने वर्णन किया। शाही शाही स्नान का क्षेत्र है। हाँ, ये संगम मैदान शाही स्नान का मेला चलता है। अच्छा, जो यात्री आते हैं नाव से, ये यहाँ नहाते हैं। अच्छा, नाव से वाले यहाँ जो ऐसे शाही स्नान वाले यहाँ चारों तरफ नहाएंगे। अच्छा, चारों तरफ अरे घाट भी नहाएंगे, इधर भी नहाएंगे, छपना घाट भी नहाएंगे, चारों तरफ शाही स्नान वाले जो यात्री यहाँ नाव वाले आएंगे तो यहाँ नहाएंगे संगम पर। यहाँ हरिद्वार से गंगा जी आई है, दो चीज दिखाई, गंगा और जमुना के लिए दिखाई जी किले के अंदर लुप्त नहीं दिखाई देती। अच्छा, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाएं कि किस प्रकार से यमुना उधर से आई है, जिनका रंग थोड़ा सा डार्क है, और हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर गंगा है। ये दिल्ली आगरा जमुना जी आई है। अच्छा, दिल्ली और आगरा से यमुना का आगमन हुआ है, कानपुर हरिद्वार से गंगा जी, और कानपुर हरिद्वार से ये गंगा का आगमन यहाँ पर हुआ है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद काशी के लिए इधर से निकल जाएंगी। हम आपको इसकी पल पल अपडेट्स देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और डाउनलोड करें पोल खोल पोस्ट बाय यूट्यूब और फेसबुक से तेज समाचार।